और यहाँ पे बॉबी अच्छी गेंदबाजी की है अपने अब तक इन्होंने। और ये डॉट बॉल अंपायर, और यहाँ पे धर्मेंद्र भी 1100 रुपए दे चुके हैं मुकेश सिलियन को। और यहाँ पे अंपायर चिल्लू, प्लीज जेब में मोबाइल डालिए अपना। और यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी बॉबी द्वारा, 6 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किए अपने टीम के लिए, लेकिन विकेट नहीं ले पाए, तो भी अच्छी गेंदबाजी इनकी तरफ से, 1 रन का ओवर। यहाँ पे चिंटू अगले गेंदबाज, अपनी ओवर की पहली गेंद लेके चिंटू, और यहाँ पे हाथ में मार दिया है, जितनी अच्छी बॉल उतनी अच्छी शॉट, कोई रन नहीं, 1 ओवर 1 बॉल 1 रन। शानदार शॉट खेल दिया है, इतनी अच्छी फील्डिंग अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए, और यहाँ पे पकिया अपनी टीम, काफी अच्छी फील्डिंग देखने मिली इनके द्वारा, अपने टीम को 3 रन बचा अपने टीम के लिए, काफी अच्छी फील्डिंग। यहाँ पे चिंटू 2 गेंदों में 1 रन दिए अब तक, अच्छी गेंदबाजी हो रही है इनके द्वारा भी, और यहाँ पे हल्के हाथों से सिंगल खेल दिया है। और यहाँ पे सालवर टीम के पीछे प्रधान जी बैठे हुए उनका गेम देख रहे हैं, काफी खुश होंगे मनी मान, अच्छी गेंदबाजी हुई है उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा। और यहाँ पे विकेट का प्रदर्शन होता हुआ, पहला विकेट जाते हुए चिंटू, फटाफट बैट्समैन फटाफट आए, 4 गेंदों 3 रन 1 विकेट। और यहाँ पे कनक एक चौका मारेंगे, और यहाँ पे क्लीन बोल्ड कर दिया है चिंटू ने, 2 विकेट ले चुके हैं ये ओवर में अपने। और यहाँ पे प्रधान जी काफी खुश हुए रहेंगे अपनी गेंदबाज चिंटू द्वारा, काफी अच्छी गेंदबाजी डाली है, पहले ओवर में बॉबी अपनी गेंद लेके आते, कोई विकेट नहीं 1 रन, लेकिन यहाँ पे चिंटू आए 2 विकेट ले लिए, काफी खुश है प्रधान जी। ये ओवर की लास्ट गेंद है भी डॉट बॉल, डीएनसीसी भी कमेंट्री बॉक्स में सब मार करे डीएनसीसी भी। यहाँ पे रौनक, और क्या शॉट, ओहो रन आउट छोड़ा, 4 रन 2 ओवर 1 गेंद 4 रन। कहीं ना कहीं रौनक ये भी सोच रहे होंगे, मैं भी 3 रन लूं 1 विकेट। वाइट बॉल, रौनक सोच रहे होंगे मैं भी 1-2 रन का ओवर डालूं और 2-3 विकेट लूं। और प्रधान जी मेरे, और यहाँ पे विकेट लेते हुए ये भी सोच रहे प्रधान जी, खुश हुए मेरे पे भी, पहला बॉबी आए 1 रन का ओवर डाले प्रधान जी खुश, फिर चिंटू आए 2 रन का ओवर गया लेकिन 2-3 विकेट लिए प्रधान जी और खुश। और यहाँ पे रौनक, क्या ये भी प्रधान जी को खुश कर पाएंगे, ओहो अच्छी बल्लेबाजी छोटे छोटे बच्चों द्वारा। और यहाँ पे प्रधान जी के बगल में महपाल हंस रहे कि खुश हो रहे टीम पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे रन आउट विकेट, प्रधान जी खुश है काफी द्वारा अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे कचरा, यहाँ पे पॉइंटिंग बॉल जहां भी हो
कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें, आपको सचिन भैया याद करें कब से आप गायब हो। यहाँ पे एक और रन आउट, और यहाँ के कचड़ा काफी खुश हुए हैं अपनी टीम के स्कोर बोर्ड पे लेके। अच्छी गेंदबाजी हुई अब तक, 7 रन 8 विन। प्रधान जी चाह सोच ही रहे होंगे मन ही मन जल्दी मैच खत्म होए, दूसरे ओवर तक मैच ना जाए, और कचरा समझा के ले रहे अपने प्रधान जी को कि कैसे क्या है, टीम को समझाइए फटाफट मैच शुरू कीजिए। और यहाँ पे सालवा टीम के 10वें प्लेयर सोनू निराश है कि ये कौन सा मैच लग गया। विन है 8 रन, अगर ये बचा ली टीम 8 रन तो भट्टी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। सालवा फटाफट अपने दोनों बैट्समैन भेजे, अपने पास समय नहीं है। प्रधान जी अपने टीम को समझाइए और फटाफट बल्लेबाज को भेजिए दोनों। अगर 8 रन बचा लिए आप लोग तो गौतम भाई की तरफ से 2000 का इनाम। अंपायर बॉल बार बार ना डाले, कचरा कचरा बॉल और मारा सालो टीम का। हम चाहते हैं सालो टीम से प्लीज कमेंट वहां पे बैठिए बैट्समैन की जगह पे, आप बाहर मत बैठिए। बांगड़ू ऑन स्ट्राइक, पहला बॉल का बांगड़ू, ओरिजिनल है इनका मनीष है। और पहली बॉल हल्के हाथों से सिंगल खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए आनंद। और यहाँ पे हम बात कर रहे मनीष पे, गंगोत्री पे काफी अच्छा खेले थे, हम देखे नहीं थे इनका मैच लेकिन हमारे प्लेयर देखे थे वो बता रहे हमको। और आनंद भी सिंगल खेलते हुए अपने हल्के हाथों से 2 गेंद 2 रन, जीत के लिए चाहिए 6 रन। अभी यहाँ से एक इनाम आता हुआ, अगर सालवर जीतती है तो एमबी स्पोर्ट की तरफ से 1000 रुपया। और यहाँ पे चौका, और यहाँ पे प्रधान जी कहीं ना कहीं सोच, यहाँ पे प्रधान जी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे टीम भी जीती प्लस 1001 रुपए का फायदा भी हुआ, काफी खुश है प्रधान जी अपनी टीम से। और यहाँ पे सोनू अगर सालवर जीतेगी तो 501 रुपए का इनाम है इनके तरफ से, और जीत भी गई लो। तो चलो सोनू देते हुए यहाँ पे 501 रुपए, सोनू जायसवाल। मैच जल्द से जल्द शुरू करें, मैच जल्द से जल्द शुरू करें। राजेश जहां पे भी हो यहाँ है अपना आधा आधा। और यहाँ पे डेंजरस सी, फटाफट समय ना है, हमारे पास समय नहीं है, इसके बाद एक पैनल और फटाफट मैच कराए यहाँ पे। अंपायर अंपायर मैच शुरू करवाइए, समय नहीं हमारे पास ज्यादा। और यहाँ पे अंजन भैया की तरफ से अगर डेंजरस सी जीतेगी और जो मैन ऑफ द मैच बनेगा उसको 201 रुपए का इनाम देंगे। डेंजरस सी कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच, और वहां पे सतीश भैया की तरफ से अगर ये जीतेगी तो 501 का इनाम दिया है प्लस 1 बॉक्स बॉल, क्या डेंजरस सी इनाम लेके जा पाएगी और मैच जीत के, आइए देखते हैं। दुर्गेश भैया
पहला ओवर कमल की तरफ से। डेंजर सी का 10वां विलर कमेंट्री बॉक्स पे आए। कमल एक गेंद में एक रन खर्च कर चुके हैं। दूसरी बोल रहे कि अपने टीम के लिए काफी अच्छा शॉट और ये मिस फील्ड। हाइट थोड़ी पड़ गई, गेंद वहां से उड़ गई और यहाँ पे फील्डर गुस्सा ना करे उनके ऊपर, उनकी कोई गलती नहीं है। दो गेंदे पांच रन। अगर सचिन भैया ये चौका मारे एक भी, वीरेंद्र झा की तरफ से 500 रुपया का इनाम। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। एक चौका 500 रुपये का झोल, देखते मार पाएंगे। कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब। और ये डॉट बॉल आता हुआ, अभी भी चांस है 500 रुपये कमाने का। कहीं ना कहीं डेंजरस चीज सोच रही होगी, एक ना एक विकेट जाए। कमल एक विकेट के फिरार में लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा उनको, परेशान है अपने लिए। और यहाँ पे पांच बॉल सात रन। ये ओवर की लास्ट गेंद, क्या कमल विकेट लेंगे? ओहो विकेट, सोच ही रहे थे कहीं ना कहीं ये विकेट लेना, और ये विकेट लेते हुए करके दिखाया अपने टीम के लिए। कमाल काफी अच्छी गेंदबाजी, सात रन दिए लेकिन एक विकेट लिए। यहाँ पे अंजन भैया काफी खुश हो रहे हैं उनसे। दसवां फील्डर लोटस का भेज दीजिए। लोटस का दसवां फील्डर ओम राहुल, राहुल ग्राउंड के बाहर जाइए आप, अंपायर से बहसबाजी ना कीजिए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, फटाफट जाइए, वाद विवाद नहीं होगा, डायरेक्ट बाहर। अरे बादल पहली गेंद पे बॉल करते हुए, बादल विकेट के साथ 500 रुपया भी चुकाया अपना। अगर ये हैट्रिक लेंगे तो इनके भाई के तरफ से सूरज, इनके तरफ से 201 रुपए का इनाम है। कहीं ना कहीं सोचेंगे बादल। हरिकेश भैया कब से सोच रहे मेरे को स्ट्राइक मिले लेकिन मैं ही मिल पा रहा है। यहाँ पे साईंराज फाइटर और युवा अटैक, साईंराज फाइटर और युवा अटैक टॉस के लिए टॉस बॉक्स पे आइए। साईंराज और युवा अटैक बॉलिंग देखने को मिला बादल की तरफ से। साईंराज फाइटर और युवा अटैक टॉस के लिए आइए। डेंजरस भी बादल आसमान में इस समय बरसते हुए और बेहतरीन शॉट यहां पर चार रनों के लिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं साईंराज फाइटर टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आइए प्लीज। साईंराज फाइटर बहुत लेट कर रहे हैं आप, गला बैठ जा रहा है मेरा बोलते बोलते। और अगर डेंजरस भी जीतेगी तो 501 रुपए का इनाम अमन सेठ की तरफ से। विकेट का पतन। और यहाँ पे गौतम भाई, हम चाहते गौतम भाई टॉस उड़ाइए। अगर डेंजरस भी ये मैच जीतती है तो अमन सेठ की तरफ से 501 रुपए का इनाम है। 501 रुपए का इनाम डेंजरस बी को। और यहाँ पे गौतम भाई द्वारा टॉस उड़ाया जा रहा है। साईंराज फाइटर वर्सेस युवा अटैक और डेंजरस सी इसके बाद टूर्नामेंट बैठाएगी।
तो अमन सेठ की तरफ से सॉरी अंजन की तरफ से एक बॉक्स बॉल है डेंजरस सी को, ये मैच जीतेगी। और यहाँ पे राहुल, राहुल पहले से बोलते आ रहे थे कि ये मैं टॉस जीत जाऊंगा, लेकिन क्या आप मैच जीतने देंगे इन्हें? नहीं। आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, लोग जीत जाए। और आप मिलते हैं अगले मैच में। दो ओवर 11 रन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी डेंजरस सी का। समीर यहाँ पर गेंदबाजी आखिरी ओवर लेके आते हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं जादू यहाँ पर, व्हाइट और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जादू बिखेरते हुए। सूरज नहीं निकला है लेकिन चांद की रोशनी में चमाचम यहाँ पर अपना छाया छोड़ते हुए और बेहतरीन। ओहो क्या फील्डिंग है, वाह वाह जोरदार तालियां, लाजवाब, बेहतरीन, बेमिसाल, अद्भुत, क्या नजारा है। छोटा सा बच्चा 4 रन यानी 3 रन टीम के लिए बचा डेंजरस सी। धाकड़ यहाँ पर गेंदबाजी, उतनी धाकड़ यहाँ पर, क्षेत्र अक्षर देखने को मिल रहा है हमें फोटो। और यहाँ पे अंजन भी अपनी टीम को काफी अच्छा तैयारी करके भेजे हैं, काफी अच्छा फील्डिंग करते हुए, छोटे छोटे बच्चे काफी अच्छा बॉल पकड़ रहे अब तक। चलिए बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक समीर का, 2 रन खर्च किए। अगली गेंद सिंगल और ये दूसरी गेंद लेते हुए, और क्या रन आउट, जी हाँ, और ये रन आउट, काफी निराश होंगे अपने आप से। और काफी अच्छी गेंदबाजी समीर द्वारा, काफी अच्छी गेंदबाजी। दो बॉल में 2 रन 1 विकेट लिए, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे समीर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके। और ये शॉट खेल दिया है, 1 टैप हाथ में, क्या ये रन आउट, जी हाँ रन आउट, काफी घाई है इन्हें, हाथ में मार के भाग जा रहे हैं। और यहाँ पे 6 विकेट जा चुका है, और यहाँ पे धर्मेंद्र भैया हमारे उतर चुके हैं, क्या इन्हें 1 बॉल खेलने को मिलेगा। तीन गेंद 13 रन, हैट्रिक पे समीर, क्या हैट्रिक लेंगे, ओहो LPW रहता तो आउट हो जाता। 4 गेंद 13 रन, लास्ट 2 गेंद, क्या धर्मेंद्र भी कोई स्ट्राइक मिलेगी, 1 बॉल खेल के कुछ टीम के लिए कारनामा करेंगे। और यहाँ पे जी हाँ 1 रन, और यहाँ पे धर्मेंद्र भी अगर चौका मारेंगे तो मंटू भैया की तरफ से 501 का इनाम है। अब तक इनाम बांट रहे थे, क्या इस बार इनाम लेंगे, क्या इनाम लेंगे इस बार, अब तक इनामे बांट रहे थे, क्या इनाम लेंगे। 1 गोल 4, अरे शॉट खेल दिया है, 4 रन, ओहो मंटू भाई काफी टेंशन में, 501 रुपए चल गया मेरा यहाँ पे। और यहाँ पे 19 गेंदे 19। और हमारे प्रिय मित्र कार्तिक अकेले अकेले आइसक्रीम खा रहे अपने पैसे का, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आते हैं लेकिन आइसक्रीम खाने अकेले जा रहे हैं। आगे माइक संभालिए और आइसक्रीम खिलाइए। वॉलेंटियर्स मोनू और संगम कहाँ पे हैं? वॉलेंटियर्स मोनू और संगम, वॉलेंटियर्स मोनू और संगम यहाँ पे आइए आप। और फोटो यहाँ पे, पहली गेंद पहली चौका फोटो के बल्ले से, और यहाँ पे हर चौके पे 101 का इनाम है, 101 रुपए पका चुके हैं मंटू भाई के जेब से, अब तक 602 रुपए चल गए हैं। फोटो काफी अच्छी बल्लेबाजी, डायरेक्ट बॉल शॉट कर दिया है और यह हाथ में कोई रन नहीं, अच्छी शॉट थी। 2 बॉल 4 रन, 19 भी नहीं,
15 रन चाहिए और ये वाइट प्लस कीपर के हाथों में गेंद नहीं आई। 6 रन हो चुके हैं। फोटो के लिए क्रैश। और यहाँ पे फोटो 101 रुपए कमा चुके हैं। अगर ये गेंद पे चौका लगाएंगे तो अमन सेठ की तरफ से 501 रुपए का इनाम। क्या तो 601 रुपए झोली मिलाते हैं। काफी अच्छा शॉट लेकिन हाथ में गेंद गवा दिए 501 रुपया। चार बॉल। काफी अच्छा शॉट लेकिन एक रन। फोटो पर चौका 50 रुपया। परचौके 50 रुपया फोटो को। और यहाँ पे टैप कर दिया और हाथ में और ये नॉट आउट। ओवर रन कितना? रन कितना? रन कितना हुआ? एक ओवर 8 रन 19 मिनट 12 बॉल 11 चाहिए है। अगर 11 12 बॉल 11 चाहिए ना। 12 बॉल 11 10 मारेंगे तो भी जीतेंगे क्योंकि इनका अब तक एक भी विकेट नहीं गया है। दोनों सलामी बल्लेबाज अब तक रुके हुए क्रीज पे है और ये शॉट खेल दिया है और अच्छी फील्डिंग धर्मेंद्र भैया द्वारा। और यहाँ पे डॉट बॉल दूसरी गेंद लेके चलते हुए डायरेक्ट बॉल शॉट कर दिया है फिर बैक टू बैक धर्मेंद्र भैया के पास। लग रहा है फोटो चाहते हैं कि मैं धर्मेंद्र भैया की तरफ से मारूं और धर्मेंद्र भैया और यहाँ पे मंटू भाई का कहना है धर्मेंद्र भैया डाई मारेंगे तो 501 रुपए इनकी तरफ से। और यहाँ पे आत्महत्या करते हुए फोटो काफी अच्छा खेल रहे थे अब तक लेकिन अमन सेठ नजर लगा दिए। सोचते थे कि एक चौका मारे 501 मिलेगा। 3 बॉल 9 रन 9 बॉल पे 10 रन। क्या डेंजरस थी ये मैच जीतेगी। 9 बॉल 10 9 कमाल तो की थी गेंदबाजी से। क्या बल्लेबाजी से भी कमाल करेंगे अपनी टीम के लिए। और ओहो नॉट आउट। आउट दे दिया है अंपायर। डिसीजन सीधा दे। अंपायर ऐसे रुक के डिसीजन नहीं दे जो है क्लियर बताए। हाँ ना करके जवाब ना दे वरना आपको अंपायर से वहां से हटा दिया जाएगा। आठ बॉल में 10 रन बादल आ चुके हैं। बादल 2 विकेट लिए थे क्या 2 चौका मारेंगे। शॉट खेल दिया है 1 रन। जीत के लिए 7 बॉल 9 रन चाहिए। सात गेंदों में 9 रन। और ये थोड़ा सा फंबल हुए लेकिन 1 रन। और यहाँ पे 11 रन बोर्ड पे लगता हुआ। और यहाँ पे 6 बॉल पे 8 रन चाहिए। 7 मारेंगे तो भी दे देंगे क्योंकि फील्डिंग वाली टीम का विकेट ज्यादा है। और यहाँ पे मंटू भाई की तरफ से ऐलान किया गया हर बॉल पे हर चौके पे 100 रुपया। सॉरी अमन सेठ हर चौके पे 100 रुपये दे रहे हैं। क्या समीर 2 चौका मार के 200 रुपये कमाएंगे। एक चौके पे 100 रुपये और ये धर्मेंद्र भैया के हाथ में आगे बॉल छूटते हुए। और यहाँ पे धीरेन झार के तरफ से लोटस 11 जीतेगी तो इनको 2000 का इनाम है। 2000 1 रुपये बढ़ा देते मेरे तरफ से 1 रुपये मेरे तरफ से 2000 रुपये।
अगर इस बॉल पे चौका आया तो वंदे स्पोर्ट की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। विकेट विकेट विकेट। यहाँ पे हमारे अमन सेठ का पैसा बचता हुआ बार बार, जब पैसा लगा रहे तब विकेट जा रहा है। कृपया करके प्लीज पैसा ना लगाइए, डेंजरस सी को जीतने दीजिए। अगर ये 3 बॉल 3 विकेट लेते तो भट्टी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। एक रन 13 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 6-6। 3 बॉल 6-6, 5 मारेंगे तो भी जीतेंगे। वाइड बॉल 5-6, 3 गेंदों में 5 रन। अभी भी अगर एक चौका लगाएंगे तो हमारे अमन सेठ की तरफ से 101 रुपए का इनाम है। समीर को लोटस 11 जीतेगी तो इनको 2001 रुपए का इनाम। विपिन वंदे स्पोर्ट से जल्द जुड़े। अरे शॉट खेल दिया है, ओहो चौका। और यहाँ पे अमन सेठ की तरफ से 100 रुपए। लोटस 11 का विकेट जाता है, लोटस 11 का 2 बॉल 1 चाहिए। अगर डॉट करेंगे दोनों बॉल तो भी डेंजरस सी ये मैच जीतेंगे। अरे डॉट बॉल, ये बॉल भी डॉट होगी तो भी डेंजरस सी जीत जाएंगी। बैट्समैन डराइए मत, जीत की खुशी में डराइए मत प्लीज। और यहाँ पे मैच जीतते हुए डेंजरस सी, और कल शाम को चाइनीज तड़का में मंटू भाई के तरफ से 200 प्लेयर को हाफ प्लेट प्राइज है। समीर अपना प्राइज लेने आ जाए कमेंटेटर में। अम्मा सीट की तरफ से 101 रुपए का इनाम। समीर जल्द से जल्द स्टेज पे आ जाइए, जहाँ भी है समीर स्टेज पे आके अपना 101 रुपए प्राइज लेके जाए अमन सेठ की तरफ से। समीर सूरज बहुत बेहतरीन कैमरामैन है, इनके बारे में दो शब्द बहुत ज्यादा हो जाता है। समीर आएंगे फटाक से। और यहाँ पे युवा टैग बड़ा पेट फील्डिंग लगा है। यहाँ पे अंपायर बॉल ना डेली, राहुल बॉल मत डलवाइए किसी से, समय हो रहा है। ये बिस्किट हर जगह मार खाने वाला काम करते हैं, हर जगह आदत से बाज नहीं आएंगे ये। और यहाँ पे समीर स्टेज पे आके अमन सेठ की तरफ से 101 रुपए लेके जाइए, समझ जाइए मैन ऑफ द मैच है। बल्लेबाजी और यहाँ पे 100 रुपए मिलता हुआ समीर को, काफी बिस्किट फटाफट मैच कराइए नहीं तो डुबा के खा जाएगा। अंपायर फटाफट मैच शुरू करवाए प्लीज, अंपायर समय ना लगाए फटाफट मैच शुरू करवाए। प्रभात और यहाँ पे डीबीएस भी और टाइटन डीबीएस और टाइटन भी टॉस बॉक्स के लिए टॉस बॉक्स में आइए। टाइटन भी और डीबीएस दोनों प्लेयर के, दोनों टीम के भी एक एक प्लेयर टॉस के लिए आइए। वाइट यू आर टेक अपना 10वां फील्डर भेज दीजिए।
और यहाँ पे अप्पू के बड़े भाई है ये, और यहाँ पे नो बॉल, नो बॉल और जयचंद द्वारा मिस फील्ड, नो बॉल प्लस एक। अब तक एक बॉल में 3 रन खर्चा कर चुके हैं ये। हमारे पे जुन्नून, ओह काफी अच्छी गेंद। जुन्नून अब तक अपने ओवर में, और यहाँ पे टॉस के लिए हमारे प्रभात द्वारा टॉस उड़ाया जा रहा है। डीवीएस से वर्सेस टाइटन बी, शानदार फील्डिंग देखने को मिला ग्रामीण का। सेकंड राउंड का पहला मैच शुरू होते हुए, इसके बाद यहाँ पे हेड का मांग थी डीवीएस की। टाइटन टॉस विन अपनी, यहाँ पे टाइटन भी टॉस जीत के बॉलिंग करते हुए डीवीएस की बैटिंग आई। 4 बॉल, और यहाँ पे 4 गेंदों में 6 रन। यहाँ पे जिन्नू काफी अच्छी बॉल डाले हैं, 4 गेंदों में 6 रन, लेकिन विकेट अब तक एक भी नहीं आई इनके हाथों में। पांच गेंदों में 7 रन, क्या जिन्नू एक विकेट लेंगे? कहीं ना कहीं विकेट के तलाश में, लेकिन इनको विकेट नहीं मिल रहा है। क्या विकेट लेंगे ये? और काफी अच्छी गेंद और हवा में, और लालू कैच पकड़ते हुए विकेट, काफी खुश हुई हो इनकी टीम। जिन्नू एक विकेट लेने का सोच रहे थे, और ये इनके ओवर की लास्ट गेंद पे विकेट गई। एक ओवर की समाप्ति, 7 रन पे एक विकेट। हेलो, बहुत ही अच्छा मैच का नजारा यहाँ पर, और आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं वन द स्पोर्ट द्वारा। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, ऐप यूट्यूब ऐप है उस पर देख सकते हैं, घर बैठे देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, घर पर लेटे बैठे खाते पीते सब जगह देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी है वन द स्पोर्ट, आप घर पर सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, और कैमरामैन हमारे बिपिन मेहता छोटे ब्राता, नया चैनल है, नए लोग हैं, लेकिन काम बहुत बेहतरीन, खूबसूरत और विश्वसनीय काम है इन सभी का, कैमरामैन और ऑपरेटर सभी का। तो प्लीज़ घर बैठे यूट्यूब लाइव देखे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वन द स्पोर्ट्स। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पेज अवश्य इनका फॉलो करें। यहाँ पे रिव्यू लिया गया है, कृपया करके आप भीड़ ना लगाइए। चलिए मैच चालू करें फटाफट, अंपायर अपना डिसीजन दे, रिव्यू नहीं है, और अंपायर का डिसीजन आउट। मुकेश को आउट करते हुए लालू, पहली बॉल पहला विकेट, काफी अच्छा कैच लिया इन्होंने। यहाँ पे शॉट और एक चौका, एसएन वॉरियर अपना 10वां प्लेयर भेज दे। पहले ओवर में कोई बाउंड्री नहीं, दूसरे ओवर में पहली बाउंड्री आते हुए। साइरस फाइटर, सॉरी माफी चाहता हूँ। और यहाँ पे टैप कर दिया है एक टप्पा हाथ में। लालू काफी अच्छी गेंदबाजी की अब तक, बस एक चौका आ गया। 3 गेंदों में 5 रन खर्च किए हैं टीम के लिए अपने लालू। स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 12, 4 गेंद 12 रन।
और यहाँ पे शॉट खेल दिया पॉइंट पे और यहाँ पे अप्पू के हाथ में, लेकिन यहाँ पे कवर पे कोई नहीं आया। अप्पू थ्रो फेंकना चाहते थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला, कोई कवर पे नहीं आया। काफी अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा देखने को, हमारे क्लासमेट अप्पू देख सकते हैं राजबाबू के सर पे हाथ, राजबाबू काला टोपी पहन के। लास्ट गेंद ये ओवर की और यहाँ पे सिक्स, और यहाँ पे लालू दो विकेट लेते, ओवर ओवर अंपायर ओवर हो चुका है। प्रिंस तुम डीजे बजाओ। दो ओवर 12 रन दो विकेट, सॉरी 13 रन दो विकेट। और यहाँ पे नॉन स्ट्राइक पे चंदन, लास्ट ओवर बचा है 13 रन। जैचन लेके पहली गेंद और ए डॉट बॉल, आखिरी 5 गेंदें बची है, क्या 3 चौका आएगा इसमें। और यहाँ पे शॉट कर दिया और नो स्कोर छक्का। जैचन 2 गेंदों में कोई रन नहीं प्लस विकेट। और यहाँ पे राहुल अपनी टीम का कमांड संभालते हुए 2 गेंदों में कोई रन नहीं दिया है और 1 विकेट लिया है जयचंद। 2 ओवर 2 गेंद 13 रन, आखिरी 4 गेंद बचे। और यहाँ पे अप्पू समझाते हुए पोगो को, और यहाँ पे अप्पू का कोई नहीं सुना, अप्पू फिर जाते हुए अपने जगह पे। काफी अच्छा प्रयास था कि अब पोगो इनके बातों में आ जाए और ये लीग में खड़े हो जाए। लास्ट 4 गेंद जयचंद और ये विकेट का प्रदर्शन होते हुए 3 गेंदों में 2 विकेट, बैक टू बैक विकेट। क्या हैट्रिक लेंगे जयचंद। लास्ट 3 गेंद स्कोर 13 विकेट 5। तीन गेंदे लास्ट, क्या चंदन को स्ट्राइक मिलेगी। और एक कट कर दिया और सिंगल 1 रन, स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 14 रन। आखिरी 2 गेंद, क्या 2 गेंद में 2 चौका लगाएंगे चंदन। 2 गेंदों में 2 चौका लगाएंगे तो स्कोर लड़ने लायक हो सकता है इनका, अभी भी ठीक है। और एक, अरे 1 रन खेलते हुए बॉल गया अप्पू के हाथों में, काफी खुश है अप्पू आज। 15 रन लास्ट गेंद 15 रन, स्कोर 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 स्कोर। लास्ट गेंद ओवर की 15 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे और ये लास्ट गेंद शॉट कर दिया है। ओहो एक रन प्लस विकेट, 16-17 रन विने। यू अटैक को जीतने के लिए 17 रन चाहिए मात्र 18 बॉल पे। रिव्यू नहीं है। अंपायर क्या है निर्णय लीजिए अपना फटाफट, समय ना लगा ज्यादा। अंपायर जो डिसीजन दिया उसको सुनिए प्लीज, डिसीजन लास्ट डिसीजन, बहसबाजी नहीं अंपायर से, अंपायर से बहसबाजी नहीं। जिनको अंपायर से बहसबाजी नहीं, आदर्श अपने टीम के प्लेयर को लेकर जाइए। आपको यू अटैक, आपको अंपायर का डिसीजन मानना होगा। साइरस फाइटर 18 गेंदे 17 युवा अटैक को बनाने हैं। क्या डिफेंड होंगे 18 गेंदे 17 रन।
साईराज फाइटर प्लीज फटाफट मैच रोक पाएगी 17 रन। साईराज फाइटर प्लीज फटाफट कीजिए, अभी और समय है। यहाँ पे पोगो स्ट्राइक पे फटाफट मैच शुरू कीजिए प्लीज, लेट कर रहे हैं आप। 18 बॉल 17 पोगो स्ट्राइक पे। चंदन यहाँ पे फील्डिंग लगा के ले रहे हैं अपनी टीम के लिए, फटाफट कीजिए फील्डिंग लगाइए, इतना समय लेंगे तो कल सुबह हो जाएगा मैच खत्म होते होते। पहली गेंद और वो भी वाइट, 0 बॉल 1 रन। और दूसरी गेंद और अच्छी शॉट, लेकिन चंदन के हाथ में बॉल आके चिपक गई। और यहाँ पे कार्तिक से बात कीजिए, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। अब मुझे ही संभालना पड़ेगा पूरा। स्ट्राइक रोटेट करते रह रहे हैं, इनके लिए एक एक रन कीमती है। लाइफलाइन इक्वेशन नहीं समझ रहा मुझे क्या हो रहा है। तीन बॉल दो रन। शानदार शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग। लास्ट बॉल शानदार फील्डिंग, लेकिन दूसरा फील्डर खराब फील्डिंग कर दिया। जब तक मैच में राहुल है तब तक कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी मैच घुमा सकते हैं। राहुल बहुत अच्छे बैट्समैन है। अब हमारे साथ जुड़ेंगे भट्टी, कमेंट्री करिए भट्टी। और यहाँ पे खराब फील्डिंग चंदन द्वारा, 4 रन और अच्छा शॉट पोगो द्वारा। अंपायर से हमारी अंपायर मैच फास्ट करवाइए, अंपायर मैच फास्ट करवाइए, बोलिए प्लेयर को मैच फटाफट खेले। दुक 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 दुक। 11 बॉल 6, क्या ये ओवर में ही मैच खत्म हो जाएगा? हम चाहें तो पोगो अच्छी शॉट और ये चौका, काफी अच्छा क्लिक किया पॉइंट पे, इनको लगा 1 रन जा रहा है लेकिन चौका चल गया। 2 रन चाहिए 10 बॉल 2 रन, 10 बॉल 2। ओहो
कीपर से मिस होता हुआ एक रन चाहिए, नौ बॉल में एक रन, मैच खत्म करके जाइए। एक रन चाहिए अपने पे, लेके पूरा खेल रहे मैच, पूरा प्रेशर है राहुल पे। एक ओवर में एक रन, राहुल सोचे टीम के लिए मैं विनिंग शॉट मार दूं, एक लेकिन हाथ में मार रहे थे। अगर ये एक रन बचा लेते आलम भाई की तरफ से 501 रुपए का इनाम। तैयार तो होने दीजिए पहले, इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। अगर ये पोगो चौका मारते तो उनको कुछ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा नहीं। और ये वाइट चौका मारने का मौका नहीं मिला, इनाम का भी मौका नहीं मिला, मैच खत्म। टाइटन भी फटाफट फील्डिंग लगाइए, टाइटन भी। राहुल कहीं भी है तो स्टेज पे आइए, राहुल पादन उर्फ पादन। टाइटन भी फटाफट फील्डिंग लगाए, गोबर लेगी नहीं हो पाएगा। बिस्किट बिस्किट पीच पे बार बार मत दौड़िए। यहाँ पे टाइटन भी टॉस जीत के फील्डिंग लिए और टाइटन भी फटाफट फील्डिंग लगाई है, समय नहीं है हमारे पास। साई रात फाइटर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें, साई रात फाइटर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें, साई रात फाइटर। पहली ओवर नागेंद्र लेके आएंगे, स्ट्राइक पे नवनीत और नॉन स्ट्राइक पे के आर। दिक 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 दिक। टाइटन बी के 10वें खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में सर। तेरी प्यारी प्यारी दो साईराज फाइटर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें प्लीज, साईराज फाइटर। अरे वाइट बॉल जाते हुए पहली गेंद ही वाइट डाल दिए हैं। अगर पांच बॉल पांच मारते तो वंदे स्पोर्ट की तरफ से 2001 का इनाम। और नागेंद्र पहली बॉल वाइट, दूसरी बॉल सिंगल, एक बॉल में दो रन दे चुके अब तक। और ये काफी अच्छी बॉल, बैट्समैन को समझा नहीं है बॉल। शानदार टर्न, दो गेंदों में दो रन, बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर घुसते हुए। क्या ये वापस वही टर्न डालेंगे भट्टी, बताइए। ओह टर्न नहीं समझे यहाँ पे के आर को, शानदार लपेटा। और यहाँ पे नौ मंजीत, अरे शॉट कर दिया, काफी बेहतरीन शॉट, चार रन जाता हुआ है। जरा भी टाइमिंग नहीं मिली कि प्लेयर प्रयास करे, काफी बेहतरीन शॉट मारे है, गैप में चौका। चार बॉल सात रन, अब तक चार बॉल में सात रन खर्च कर चुके हैं, उसमें से एक वाइड थी इनकी। अरे फिर से शॉट, अरे हाथ में, अरे थोड़ा सा फंबल हुआ उसके कारण एक रन, भाग गए बैट्समैन यहाँ पे।
पांच बॉल आठ रन, यहाँ पे केकेआर। आज केकेआर जीत गई, क्या अपने टीम को जिताएंगे? अगर टाइटन जीती तो मुन्ना जसवाल की तरफ से 1 किलो बिरयानी। एक ओवर आठ रन, एक भी विकेट नहीं। क्या 1 किलो बिरयानी खा पाएंगे भट्टी, बताइए। वीरू दूसरा ओवर लेके आते हुए, वीरू और यहाँ पे नवनीत पिछले ओवर में काप। मुकेश इलेवन और सालवर्ड टॉस के लिए आए टॉस बॉक्स में, मुकेश इलेवन और सालवर्ड। और यहाँ पे नवनीत पिछले ओवर में काफी अच्छा शॉट लगाए थे, क्या ये ओवर में वैसा दो तीन शॉट मारेंगे? ओ सिंगल, पहली बॉल सिंगल, एक बॉल नौ रन एक ओवर। और यहाँ पे आगे का क्या है क्या नहीं हमारे कार्तिक भाई बताएंगे कैसा क्या है, उनसे बात कीजिए, मैं थोड़ा थक गया हूँ। शानदार बॉलिंग तो कर ही रहे, ओ शानदार बॉल देखने, वो टप्पा खाते उड़ता ही नहीं बॉल, टप्पा खा के बॉल ही नीचे रह गए। बैट्समैन को समझा नहीं, उनको लगा बॉल बैट पे आएगी बाउंस हो गए, लेकिन बैट पे बॉल नहीं, बॉल ही नीचे रह गई। बैट्समैन समझा के ले रहे कभी कभी बैट नीचे से उठाइए। बाकी का कमेंट हमारे कार्तिक द्वारा होगा, कार्तिक क्या है क्या नहीं समझाइए। मैच कैसा लग रहा है आपको देखने में, ये बताइए सबसे पहले। मैच तो बहुत शानदार चल रहा है, वाइट और यहाँ पे सिक्स। हैलोजन तोड़ने के चक्कर में थे ये, लेकिन नहीं टूटा हैलोजन। और यहाँ पे बंसी स्मृति चषक स्कॉर्पियन टूर्नामेंट 2024, ये ग्राउंड पे हमने पहली बार मैच बैठा है। और यहाँ पे कार्तिक अपनी जगह छोड़ के जाइए मत, मैच देखिए। अब तक अच्छी गेंदबाजी की, एक भी बाउंड्री नहीं खाई है, और ये अच्छी गेंद और प्यार से सिंगल खेल दिया गया, कोई घाई नहीं। चार बॉल ग्यारह रन, 10 बॉल में 11 आए हैं। सैफो उर्फ टीटू, नवनीत स्ट्राइक पे, क्या एक चौका मार के ये ओवर में 15-16 स्कोर पहुंचाएंगे। चार बॉल 11 रन, कहीं ना कहीं सोचते हो कि ये ओवर में एक चौका आ जाए, अब तक रन अच्छा आते हुए एक चौका आएगा तो। और शॉट खेल दिया पॉइंट की तरफ, लेकिन बॉल मुड़ता हुआ एक रन। 5 बॉल 12 रन हो चुके हैं, नौनी समझा के ले रहे बैट्समैन को, रन हो गया भाई तू एक चौका मार दे हो जाएगा मैच। और यहाँ पे एक चौका की तलाश में है बैट्समैन और बॉलर एक विकेट की तलाश में है, कौन कामयाब होगा बॉलर या बैट्समैन। लास्ट बॉल है ओवर की, 12 रन 5 बॉल, और ये शॉट खेल दिया चौका, और यहाँ पे बैट्समैन कामयाब हुआ है बॉलर नहीं। 2 ओवर की समाप्ति पे 16 रन, काफी अच्छा शॉट खेला इन्होंने, फील्डर बने दर्शक, कहीं ना कहीं खोज रहे थे कि एक चौका बैट से आए तो स्कोर अच्छा खासा चले, और एक चौका मार दिया इन्होंने लास्ट ओवर, लास्ट बॉल पे दूसरी ओवर की। 16 2 ओवर 16। टाइटन बी के 10वें फील्डर
समझा रहे लेकिन इनके कोई सुन नहीं रहे। और ये काफी अच्छी शॉट और गैप में चौका। आखिरी 5 गेंदे बची हुई है, अब तक 13 बॉल पे 20 रन आ चुके हैं। आखिरी 5 गेंदे में अगर 2 चौका मारेंगे और 1-2 सिंगल तो भी 30 रन सोचेंगे कहीं ना कहीं 30 प्लस करके चले, तब हमें थोड़ी आसानी होगी मैच जीतने में। गेंदबाज क्या कमबैक करेंगे, पहला चौका खाया और दूसरा बैक टू बैक चौका, थोड़ा मिस फील करते हुए यहाँ पे बैक टू बैक 2 बाउंड्री मारते हुए नवनी, तब तक 4 चौके मार चुके ये। अगर 2 गेंदों में 2 चौका और मारेंगे नवनीत तो हमारे प्रभात झा की तरफ से 101 रुपए का इनाम, और 3 मारेंगे तो 201 रुपए का इनाम। 2 बॉल 24 बैक टू बैक 2 बाउंड्री, बॉलर प्रेशर में बैट्समैन कूल माइंड मैच खेलता हुआ। ये भी चौका आएगा, अच्छी बॉल, इतनी अच्छी शॉट आ रही है, डबल माइंड हो गए प्लेयर, 101 रुपए जाने का। 3 बॉल 3 चौके, और यहाँ पे 3 बॉल 3 चौके, नवनीत ऑन फायर। मैच शुरू करें अंपायर, फटाफट मैच शुरू करें। कार्तिक वहां पे बॉल पे जाइए प्लीज, वॉलेंटियर्स को बॉल पे भेजिए, मैच शुरू कीजिए। 3 बॉल में 3 चौका मार चुके हैं अब तक नवनीत, क्या चौथी बॉल, ओ अंपायर का डिसीजन नॉट आउट, अंपायर से बहसबाजी नहीं प्लीज, अंपायर का डिसीजन मानिए आप। बहसबाजी नहीं अंपायर से, अंपायर डिसीजन दे दिया भाई, आपको मानना है प्लीज, फील्डिंग लगाई अपनी, अंपायर डिसीजन दे चुके एक बार। चार बॉल 28 रन, और एक कमबैक करते हुए बॉलर, पांच बॉल 28। बैट्समैन सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं एक और मार दूं, एक और के चक्कर में 3-4 बार जा चुके और एक और के चक्कर में छक्का मार दिया। 29 विन ओवर की समाप्ति, 3 ओवर। मुकेश इलेवन और सालवर टॉस के लिए आई, टॉस बॉक्स पे मुकेश इलेवन और सालवर, मुकेश इलेवन के प्लेयर टॉस बॉक्स पे संपर्क करें, मुकेश इलेवन और ये मैच का टॉस हमारे कार्तिक भाई द्वारा उड़ाया जाएगा। कार्तिक टॉस बॉक्स पे संपर्क करें, कार्तिक आ रहा आ रहा, पूरा हम लोग ही करना पड़ रहा है, पूरा बोझ पड़ा हुआ है हम लोग के ऊपर, दुर्गेश भाई पीछे जाके बैठे हुए। यहाँ पे सेकंड राउंड का दूसरा मैच के टॉस उड़ते हुए यहाँ पे
मुकेश सिलियन वर्सेस सालवाड़ सामने ये दो है। हेड्स का मांग है सालवाड़ टीम का और ये टॉस जीतते हुए सालवाड़ अपने निर्णय बताइए। फील्डिंग यहाँ पे सालवाड़ टीम ने फील्डिंग ले चुका है और मैच खत्म होने के बाद जल्द से जल्द फील्डिंग लगाइएगा प्लीज। और पहली बॉल सिंगल दूसरी बॉल विकेट ओमकार काफी अच्छी गेंदबाजी लक्ष्य 29 रन का क्या डिफेंड करेंगे। और ओमकार काफी अच्छी गेंदबाजी की अब तक दो ही बॉल डाले लेकिन अच्छी गेंदबाजी टीम सोच रही होगी कहीं ना कहीं एक दो विकेट और ले लूं तो मैच थोड़ा ज्यादा लूज हो जाएगा। और यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग नॉनी द्वारा बैट से भी फील्डिंग से भी काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए तीन रन बचाए अपनी टीम के लिए। अच्छा शॉट था लेकिन अच्छा पकड़ भी लिया इन्होंने काफी अच्छी फील्डिंग की। बैटिंग में भी दिखाया ये कि मैं क्या हूँ क्या कर सकता हूँ फील्डिंग में भी दिखा दिए। और एक और शॉट और अच्छी फील्डिंग है चार बॉल तीन रन। और यहाँ पे वाइड बॉल ओहो बैट के नीचे बॉल थी निराश होंगे बैट्समैन कहीं ना कहीं परफेक्ट बल्ले पे आई नहीं कट लग गया एक रन पांच गेंदों में छह रन काफी अच्छी गेंदबाजी की अब तक इन्होंने। ओमकार रोहित शर्मा के फैन लग रहे हैं 45 नंबर जर्सी पहने और ये शॉट ओहो अच्छी डाय लेकिन नाकामयाब हो गए अभी। अच्छा चौका ये ओवर का पहला चौका आते हुए एक ओवर 10 रन जीत के लिए 19 रन चाहिए 12 बॉल 19 रन 12 बॉल 19 क्या मार पाएंगे नागेश्वर इनको भी नॉनी जैसी बैटिंग करनी पड़ेगी तब शायद जीत सकते हैं मैच। और यहाँ पे केकेआर पिछली बार गेंदबाजी अच्छा किए थे क्या इस बार भी करेंगे। आज मैच भी केकेआर जीती बॉलिंग भी अच्छी थी क्या ये केकेआर की भी बॉलिंग देखने को मिलेगी उसी प्रकार। और ये खेल दिया शॉट ओहो डॉट बॉल स्वीप मारना चाहते थे लेकिन लगा नहीं बराबर बैट पे नहीं आई निराश होंगे अपने। और ये स्वीप मार दिया है और काफी बेहतरीन शॉट चौका आता हुआ बीरू जहां भी है बीरू वॉलेंटियर्स को प्लीज भेजे फटाफट कमेटी लेट करेगी फिर कैसे मैच होगा जल्दी। दो बॉल 14 रन जीत के लिए 11 बॉल पहली डॉट दूसरी ओर टैप कर दिया है ओहो नवनीत के हाथों से कहां गेंद जाने वाले पूरा छाए हुए टीम में नवनीत तीन बॉल 14 रन चौथा बॉल बाउंड्री खेल दिया पॉइंट की तरफ काफी बेहतरीन शॉट और चार रन बैक टू बैक तो नहीं लेकिन एक डॉट एक चौका इस प्रकार से खेल रहे हैं अब सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं एक चौका और हो जाए। आठ बॉल 11 क्या मैच जीतेगी टाइटन बी या डीवीएस ए काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए
नागेश्वर और डेड बॉल यहाँ पे, आठ बॉल ग्यारह, कहीं ना कहीं सोचेंगे एक बाउंड्री और आ जाए, मैच पूरा हल्का हो जाए। और ये कहीं ना कहीं के चक्कर में एक रन आते है, चौका मारने का प्रयास था लेकिन वहां पे नवनीत तैनात थे, अच्छी फील्डिंग की है नवनीत द्वारा। और यहाँ पे केकेआर अब तो कुछ खास नहीं कर पाए, अपना ओवर लेके आए, रन खाए, क्या विकेट लेके अच्छा ओवर जाने देंगे। सात गेंदे दस रन, अब तक पांच गेंदों में नौ रन खर्चा कर पाएंगे क्या? डॉट होगी, विकेट है सिक्स। ओ काफी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे, चार तीन रन बचाए अपनी टीम के लिए, काफी बेहतरीन फील्डिंग। अब तक दो स्टॉप देखने को मिल गए अच्छी अच्छी, एक नवनीत द्वारा और एक इनकी टीम के। छह बॉल आठ भी मारेंगे तो भी जीतेंगे, छह बॉल नौ रन चाहिए लेके। टाइटन बी को छह बॉल पे नौ रन चाहिए, आठ मारते तो भी मैच जीतेंगे, कहीं ना कहीं सोच रहेंगे नागेश्वर को स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा मिले, वो खेलेंगे चार बॉल तो मेरे हिसाब से दो मार सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्या नागेश्वर पांच बॉल खेलेंगे तो दो बाउंड्री मार देंगे? जिस प्रकार से ये इस फॉर्म में चल रहे हैं शायद मार सके पांच बॉल नौ रन, छह बॉल नौ रन। नवनीत बैट से भी, फील्डिंग से भी, अब बारी है बॉलिंग से भी। आरसीबी बना कोलकाता, कौन जीतेगा? छह बॉल नौ रन, नवनीत की टीम कोलकाता है, टाइटन बी की टीम आरसीबी पकड़ लेते हम लोग। और ये व्हाइट का कॉल दिया गया, काफी बेहतरीन फील्डिंग के केआर द्वारा, चाहते हैं ये कोलकाता जीते। ओहो यहाँ पे विकेट का प्रदर्शन होता हुआ, जरूरत नहीं थी दो रन भागने की। नागेश्वर अच्छी बैटिंग कर रहे थे, स्ट्राइक ले सकते थे ये, लेकिन सोचे दो रन भाग जाए, लेकिन डायरेक्ट हिट लगता हुआ फील्डर का विकेट। अब पांच गेंदों में आठ रन पूरा बनाना है टाइटन बी को, विकेट सेम है, पांच गेंदों में आठ रन पूरी मारनी है। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अगर नागेंद्र अपने पास रखेंगे तो मैच जीतने की उम्मीद बढ़ जाएगी। बॉलिंग में रन खाए थे क्या, बैटिंग में रन मार के कवर करेंगे, शानदार। फिर और यहाँ पे रिव्यू निकालते हुए सॉफ्ट डिसीजन दी थी अंपायर, नॉट आउट, सॉफ्ट डिसीजन नॉट आउट है और रिव्यू लिया है अंपायर ने। यहाँ पे व्हाइट का है क्या? नहीं, अंपायर बताइए, व्हाइट नहीं था यहाँ पे, व्हाइट का कॉल नहीं था, व्हाइट कैंसिल किया गया है। अंपायर डिसीजन ले ऐसे खुले में मत, पांच गेंदों में आठ रन चाहिए थे, रिव्यू लिया है और यहाँ पे आउट, स्ट्राइक नागेंद्र के पास। अरे वाइड नहीं है, अंपायर का डिसीजन वाइड नहीं है। और यहाँ पे चार बॉल आठ रन, नागेंद्र स्ट्राइक पे, अब तक अच्छी बल्लेबाजी की, क्या दो चौका मार के टीम को जिताएंगे? लेकिन चार गेंदों में पूरे आठ रन मारने पड़ेंगे इनको विकेट, क्योंकि इनका एक ज्यादा। एक मिनट
और यहाँ पे नवनीत तीसरी गेंद लेके नांगेदार शॉट खेल दिया, काफी बेहतरीन शॉट। फील्डर ने प्रयास किया लेकिन उनके हाथों में गेंद नहीं आई, अच्छी शॉट मारी गई। तीन गेंदों में चार रन चाहिए, अब क्या नवनीत बचा पाएंगे? बैटिंग और फील्डिंग से तो प्रसन्न कर दिया हमें, क्या गेंदबाजी से बचाएंगे और अपनी टीम को विजय दिलाएंगे। बंसी स्मृति चषक स्कॉर्पियन टूर्नामेंट 2024 का आनंद लीजिए। ओहो डॉट बॉल, दो बॉल चार आ गया। और यहाँ पे हमारे कार्तिक द्वारा बड़ी मछली जाल में, नागेंद्र आउट, एक गोल चार। अब तक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, अगर ये रुकते तो शायद मार सकते थे, लेकिन ना, अब तक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पूरी टीम इनके भरोसे थी। आगे का आप बताइए भट्टी जी, आगे का बाद में बताइए, पहले कार्तिक जी बताए हमारे टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। टूर्नामेंट स्मृति चषक स्कॉर्पियन टूर्नामेंट 2024 टूर्नामेंट तो शानदार बैठा है। ज्यादा से ज्यादा मैं तारीफ करना चाहूंगा दुर्गेश भाई की, काफी बड़ा हाथ था इनका ये टूर्नामेंट में। जितना मेहनत दुर्गेश भाई रहते तो हमारे कोई बच्चे काम नहीं करते, सब भाग जा रहे थे। दुर्गेश भाई बहुत मेहनती है, दुर्गेश भाई काफी अच्छा मैनेजमेंट संभाले थे। एक बॉल चार रन, कोलकाता बना बैंगलोर, और शॉट खेल दिया छक्का, और यहाँ पे केकेआर की टीम जीतते हुए, और नवनीत क्या गेंदबाजी की है कमेंट। और यहाँ पे नवनीत अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी, क्या खेला है नवनीत ने। प्रैक्टिस डेंजरस थी, बाद में करिए, पहले बॉल लेके आइए। और यहाँ पे पिंटू भैया काफी खुश हुए हैं टीम की, और यहाँ पे पिंटू भैया काफी खुश है, इनकी टीम जीती, काफी अच्छा खेले इनके प्लेयर, उसमें एक का नाम है नवनीत। काफी अच्छा बैटिंग की, फील्डिंग और प्लस बॉलिंग में तीन बॉल चार चेता नहीं मारने दिया टाइटन बी को। बाबा जी जहां भी है कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें, आपको साउंड बार ढूंढ रहे हैं बाबा जी, जपना मॉरियस के कप्तान बाबा जी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। टाइटन भी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कीजिए। संगम बहुत तेज पाते सूरज यादव कैमरामैन जल्द से स्टेज पे पधारिए। टाइटन भी आपके कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। टाइटन भी और यहाँ पे बॉबी यहाँ पे बॉबी पिछले मैच में एक रन को बढ़ा रहा था, इस मैच में देखिए क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। पहली बॉल, पहली गेंद टैप कर दिया है, और यहाँ पे चिंटू द्वारा फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग चिंटू द्वारा। मुकेश बहुत ही अच्छी टैप दबाए थे पिछले मैच में, मुकेश अच्छा खेले थे, स्टार्टिंग उतना अच्छा नहीं था लेकिन एंड में जाते जाते दो तीन बाउंड्री मारे थे, वो भी टैप टैप ज्यादा खेलते। एक रन है, सॉरी अरे दूसरी गेंद और ये विकेट, क्या गेंदबाजी की बॉबी। और यहाँ पे प्रधान जी काफी खुश, बॉबी और यहाँ पे प्रधान जी काफी खुश हुए हैं बॉबी द्वारा। पिछले मैच में चिंटू से खुश हुए थे, इस मैच में क्या बॉबी से खुश होंगे। सचिन भैया कहीं भी, अच्छी गेंदबाजी की अब तक इन्होंने। सचिन भैया कहीं भी हो फटाक से स्टेज पे पधारिए।
ओहो जड़ में डाला गेंद पीछे से उनकी तीन बॉल में एक रन बैटिंग वाले को फपला रही है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट फील्डिंग युवा अटैक और डेंजरस सी टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आई है युवा अटैक और डेंजरस सी फटाफट मैच कराइए वैसे ही लेट चल रहे हम। काफी अच्छी गेंदबाजी की अब तक बॉबी तीन गेंदों में एक रन खर्च किए हैं और एक विकेट प्रधान जी काफी खुश है इनसे और चौथी गेंद और एक अच्छी फील्डिंग नो चांस और यहाँ पे आनंद पिछले मैच में थोड़ा बहुत अच्छा किए थे हम इन पे उतना ध्यान नहीं दिए ये मैच में भी एक चौका पकड़े लास्ट तक इन पे ध्यान देंगे इस बार क्या करते हैं। ओह काफी अच्छी गेंद और क्या शॉट है बट्टा मारा है वन बाउंस चौका क्या गैप में खेला है फील्डर को मौका नहीं मिला इधर उधर जाए तो जाए क्या करे लेकिन पांच बॉल पांच रन बट्टी टॉस उड़ा के आइए जाए और यहाँ पे डेंजरस सी और यू अटैक के टॉस उड़ाएंगे हमारे कार्तिक भाई कार्तिक सिंह टॉस के लिए आइए कार्तिक अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा समझिए आपने और यहाँ पे डेंजरस सी टॉस जीतते हुए एक ओवर छह रन शानदार बॉलिंग अपने टीम के लिए डालते हुए और यहाँ पे डेंजरस सी की फील्डिंग है और युवा अटैक की बल्लेबाजी क्या युवा अटैक अटैक कर गया डेंजरस सी छोटे छोटे बच्चे पिछले मैच में काफी अच्छा कमाल किए थे समीर कमल और फोटो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी फोटो ने पिछले मैच में क्या ये मैच में भी देखने को मिलेगी फोटो द्वारा अच्छी बल्लेबाजी दीपक स्ट्राइक पे अब गेंदबाजी लेके चिंटू ये दीपक अब और यहाँ पे दीपक बना चिंटू पहली गेंद दूसरी ओवर की और शुभ मारने का प्रयास और एक रन तेजी से चुराते हुए और एक रन कंप्लीट किया शिप मारने का प्रयास था बल्ले पे आई नहीं बराबर टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी इनकी। दीपक विराट कोहली के फैन लग रहे हैं क्या देखते हैं विराट कोहली जैसा खेल पाते हैं एक विकेट जा चुका है सात रन मामा ऑन स्ट्राइक मामा का बैट से चौका देखने को नहीं मिला अब तक और ये टैप मारने की कोशिश ओहो मामा डॉट कैसे निराश होगी अपने आप से जो खेलने जा रहे हैं बैट पे लग नहीं रहे और यहाँ पे मंटू भाई की दूसरी आर्मी डेंजरस सी का मैच है यू अटैक से उनकी आर्मी टॉस जीत के फील्डिंग ले लिए और ये शॉट खेल लिया लेके पॉइंट पे और ये काफी अच्छी फील्डिंग रे काफी अच्छा बैकअप आया रौनक द्वारा रौनक नहीं रहते तो मेरे हिसाब से चार पांच रन आराम से होता काफी अच्छा कमबैक प्रधान जी खुश हो रहे होंगे रौनक से तीन बॉल आठ अब तक अच्छी गेंदबाजी चिंटू द्वारा दीपक पिछले ओवर के लास्ट गेंद पे अच्छा शॉट मारे थे क्या दिखा पाएंगे शॉट पाना चाहते थे लेग में और अंपायर का डिसीजन आउट कहीं ना कहीं मामा निराश होंगे दीपक सोच रहे होंगे ये मैंने क्या कर दिया रन आउट कहीं ना कहीं दीपक की गलती थी यहाँ पे आपको क्या लगता है दीपक की गलती थी कि नहीं यहाँ पे वो चाहते बैट पे लेके सिंगल खेल सकते थे लेकिन रिक्सी रन भागा और रन आउट करा मामा को गलती तो है दीपक की देखते हैं अभी और यहाँ पे मंटू भाई स्कॉर्पियन की एक टीम को हरा के डेंजरस बी के पीछे पड़े हैं क्या उनका कामयाब होंगे वो डेंजरस सी को हरा के सिखा के ले रहे समझा के ले रहे कैसा क्या करना है लेकिन अपनी टीम को हरवा दिए लास्ट बॉल बैट्समैन लास्ट बॉल रन आठ रन आठ रन काफी अच्छी गेंदबाजी हुई अब तक वो बोल व्हाइट छोड़ने जा रहे थे छोटे कद के बैट्समैन लेकिन व्हाइट ने बोल्ड और यहाँ पे पांडवा टीम जाते हुए और यहाँ पे मंटू भाई
डेंजरस सी के पीछे पड़ गए, मान नहीं रहे, एक टीम को हरा दिए, दूसरे टीम के भी पीछे पड़ गए हैं। शायद ये क्या कामयाब होंगे, अगर ये टीम को मंटू भाई हरा देंगे तो पूरे बच्चे लोग मंटू भाई को अपने साथ कभी नहीं रखेंगे, नाम बनाएंगे या नाम खराब करेंगे। अगर मंटू भाई जिस टीम को सपोर्ट करे, अंडा पाओ, अंडा पाओ के ओनर सुजीत जहां भी है टीजे में आइए। मंटू भाई पहली गेंद काफी अच्छी गेंद, मंटू भाई जिस टीम को सपोर्ट कर रहे अगर वो टीम जीत गई तो मेरे तरफ से 1000 रुपए का इनाम। ओहो, फिर तो कार्तिक का 1000 रुपए बचता हुआ और मंटू भाई जिसको सपोर्ट की वो टीम गई। शानदार चौका देखने को मिला, शानदार शॉट दीपक द्वारा, सेम विराट कोहली जैसा खेल रही है, शानदार क्लिक कर रहे। और यहाँ पे रौनक काफी अच्छी गेंदबाजी की और दीपक लेग के पॉइंट पे खेलते एक रन, तीन बॉल तीन चौका, यहाँ पे आउट, विकेट हिट विकेट होते हुए। ओहो, प्रधान जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आते हुए एक बार फिर। अगर तीन बॉल तीन चौके अगर जो भी उतर रहा है बैट्समैन अगर मार दिया तो अंडा पाओ की तरफ से 501 रुपए का इनाम। प्रधान जी काफी खुश हुए अब तक, और विकेट है ये हमें मालूम है, मैच फटाफट कीजिए प्लीज। अनाउंस भी किया कि विकेट है, विकेट जाने के बाद इतना रुकिए मत, करते हो लोग कभी। और यहाँ पे 4 बॉल 13 रन, लास्ट दो गेंदे, अंतिम दो गेंदे बचे, आंसू क्या दो चौका मार के अच्छे खासे स्कोर पे लेके जाएंगे अपनी टीम को। आंसू हाथों में मिट्टी लगाए हैं, क्या बैट पे लेके उस हिसाब से मारेंगे। ओ अच्छी शॉट और ये फील्डिंग अच्छी, मनीष काफी अच्छा फील्डिंग है ये, पीवीटी चषक में ग्रामीण में इन्होंने बहुत बढ़िया खेला, हमने देखा नहीं लेकिन सुना है अच्छा खेले ये फील्डिंग के लिए, इन्हें वहां पे हमने सुना है कि नाम मिला था, अभी उस हिसाब की फील्डिंग देखने को नहीं मिली लेकिन अच्छी फील्डिंग, हाथ की बॉल एक भी नहीं छोड़े। ये ओवर की लास्ट गेंद और आनंद के हाथ में बॉल, ओ यूटी होते हुए बल्लेबाज, ओ यूटी। और यहाँ पे 18 बॉल 15 रन, 18 बॉल 15 रन, प्रधान जी खुश है कि नहीं आप, आपकी टीम बैक टू बैक कम रन पे स्कोर रोक रही है। तारा भाई हमारे जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें, बाबा जी बुला रहे, जपनाम 11 के कैप्टन बाबा जी बुला रहे, तारा भैया जहां भी है। तारा भैया जहां भी है वहां जाइए प्लीज। हेलो, हमारे जीते में यहाँ पे बहुत खुश हुए हैं। और यहाँ पे चिंटू उतरते हुए नॉन स्ट्राइक पे, महिषा वैसा ऑन स्ट्राइक, 15 रनों का लक्ष्य है, कितना टाइम लगाएंगे, क्या ये डिफेंड होगा या इजी चेज होगा, पहले ओवर के ही गेंदबाजी पे पता चल जाएगा। और यहाँ पे राजेश ओवर की पहली गेंद लेके, ओहो क्या बॉल, क्या बॉल अंदर है, पहली बॉल पहली विकेट। और यहाँ पे बॉबी बैक टू बैक दो मैचों में काफी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, टप्पा खाते ही अंदर बॉल घुस जा रही है, शानदार बॉल, क्या ये मैच में अच्छी बैटिंग इनको, 17 बॉल 15 चाहिए, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, क्या लगता है आपको कितने गेंद
कितने ओवर में चेस हो जाएगा, क्या लास्ट गेंद तक मैच जाएगा या दो से ढाई ओवर में मैच खत्म हो जाएगा? दो ओवर एक एक बॉल पे मैच खत्म हो जाएगा, जहां तक का प्रेडिक्शन फॉर्म दिख रहा है। कार्तिक का प्रेडिक्शन दो ओवर एक बॉल में, और यहाँ पे सिंगल। अब तक दोनों ही टीम ने स्वीप मारने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी बैट्समैन के बल्ले पे बराबर गेंद नहीं आई अब तक एक भी परफेक्ट स्वीप देखने को मिला। क्या चिंटू ये अच्छा स्वीप खेलते हैं, इनके बैट से देखने को मिलेगा पहला स्वीप। ओहो वाइट बॉल, राजेश वाइट डाल रहे हुए, कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे ये एक विकेट मिल जाए चिंटू का, मैच में आ जाएंगे, कम बैक हो जाएगा मैच में। क्या बॉल पे विकेट लेंगे, टीम को कम बैक करेंगे, आइए देखते हैं। चिंटू ओहो साल के हाथों से सिंगल खेलता हुआ, वॉलेंटियर्स कहा जहां भी है बॉल लेके आए, वॉलेंटियर्स तीन बॉल तीन रन। अगर ये तीन बॉल तीन रन तीन बॉल तीन चौके मारते हैं तो वड़ा पाव की तरफ से 200 रुपए का इनाम। कृष्णा यादव ब्रांड ऑफ गाजीपुर, हमारा मैच ये कब से देख रहे हैं यूट्यूब लाइव पे, 3 घंटे से लगातार देख रहे हैं, इनको धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट सबसे मिलता रहेगा तो हमारा चैनल खूब आगे जाएगा, और इंस्टाग्राम पे वंदे स्पोर्ट को फॉलो कर लो, और चौका मार के तुम्हारा भी शॉट वायरल हो सकता है। यह शानदार शॉट स्वीप शॉट, पहला स्वीप शॉट देखने को मिला यहाँ पे चिंटू के बल्ले से, ये पहले भी ओवर। मुकेश इलेवन ने 2-3 ट्राई किया था स्वीप शॉट, लेकिन बैट पे बराबर आए ने, और चिंटू 12 गेंदे 3 रन। मैच फटाफट कीजिए प्लीज अंपायर, मैच फटाफट करवाइए, अभी बहुत सारे मैच बचे हैं। सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मात्र 9 सब्सक्राइबर चाहिए 1900 के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको यूट्यूब लाइव अच्छा लग रहा है तो, और ज्यादा से ज्यादा मैच देखने के लिए वंदे स्पोर्ट्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे वंदे स्पोर्ट्स का हर रील्स 10K के ऊपर जाता है व्यूज। इस बात का हर एक खिलाड़ी ध्यान रखे, अगर अच्छा फील्डिंग अच्छा बल्लेबाजी करेगा उसका रील्स वायरल जरूरी है। और देखते हैं इस मैच का विनर कौन होगा। जी हाँ, वंदे स्पोर्ट पे आप जाकर लाइव मैच देख सकते हैं, बंसी स्मृति चषक स्कॉर्पियन टूर्नामेंट 2024 ग्रामीण पैनल शुरू है अभी। और एक बात और, यहाँ पे जितने भी ग्रामीण होते हैं अब तक ग्रामीण जो भी हुए हैं वंदे स्पोर्ट ने ही लाइव किया है, बाकी सब जहां तक हमने देखा सुना है, देखा तो नहीं है सुना है कि ग्रामीण में सब स्पोर्ट्स वाले अपना बंद करके चल जाते, लेकिन हमारे वंदे स्पोर्ट भाई का दय दिल से धन्यवाद, हर जगह ग्रामीण में ये चालू रखते अपना। प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वॉचिंग देखिए, काफी मजा आ रहा है कमेंट्री मैन करने के लिए। ओए मैच खत्म हो चुका है, खत्म वीन है, सालोर वीन खत्म हो चुका है, सालोर मैच जीत चुके हैं आप। 16-15 था, बाय का रन नहीं था तो मैच नहीं खत्म हुआ, सॉरी। एक रन पाइजे, एक ही रन चाहिए। बैट्समैन आप बताइए कि आपके शरीर पे बॉल लगा है, आप जो से 5 मिनट वेस्ट हो गया, ऐसे टाइम चलता रहा तो मैच काफी लेट हो जाएगा। थैंक यू। और यहाँ पे मुकेश इलेवन विन देते हुए मैच, और डेंजरस ची फटाक से अपनी फील्डिंग लगाइए, डेंजरस ची और मुकेश इलेवन के एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें।
कृष्णा यादव ब्रांड ऑफ गाजीपुर। वंदे स्पोर्ट्स आपका बहुत बहुत आभारी है। थैंक्स टू स्कॉर्पियन टूर्नामेंट्स बंसी स्मृति चषक 2024 आभारी है ये। और हमारे ये स्टेज देने के लिए स्मृति चषक स्कॉर्पियन टूर्नामेंट 2024 दुर्गेश भाई बाबा जी बंटी भैया तारा भैया आलम भैया भैया आनंद लेते हुए ग्रामीण पैनल का इन्होंने काफी मेहनत की है टूर्नामेंट के लिए और खास करके हमारे दुर्गेश भी और बाबा जी भले जब तक मोर ये जीत नहीं लेकिन काफी अच्छा प्रयास था काफी अच्छी गेंदबाजी की थी बाबा जी ने यहाँ पे और दुर्गेश भाई काफी आनंद लेते हुए मैच का अंपायर सचिन भैया जितनी तारीफ किया जाए वंदे स्पोर्ट उतनी कम है। और यहाँ पे कमल पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी पोगो के बैट से उतना पिछले मैच में देखने को मिला। पहली गेंद और विकेट और विकेट पहली गेंद और विकेट यहाँ पे मंटू भाई सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये टीम अंजन भैया की है काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं अंजन भैया। और यहाँ पे अगर ये बॉल पे विकेट लेंगे तो हमारे मंटू भाई की तरफ से 101 रुपए का इनाम है। क्या कमाल कमाल दिखा पाएंगे ये बॉल पे विकेट लेके और यहाँ पे लालू पिछले मैच में काफी अच्छा बल्लेबाजी की थी कहीं ना कहीं कमाल सोच रहे हैं कि इनका विकेट जरूरी है मैच में आना है तो और जीतना है तो और ये टैप कर दिया है और ये फोटो से मिसफील होते हुए बाउंड्री के काफी आगे खड़े थे बाउंड्री पे टचते थे तो हाथ में रहता ये आता हुआ टैप चौका लालू की तरफ से। अगर और ये कमल पहली और ये टैप कर दिया पीछे बादल जहां तो काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए बादल कैमरामैन सूरज अच्छा काम करते हुए अच्छी फील्डिंग करते हुए बादल यहां पे निहाल निहाल प्लीज समय मत वेस्ट कीजिए बराबर मैच के लिए। अगर जैक की बैटिंग पे आके तीन बॉल तीन चौका मारते हैं वंदे स्पोर्ट की तरफ से 501 रुपए का इनाम। बहुत ही अच्छा फील्डिंग राहुल गैप नहीं ढूंढ पाए और यहाँ पे हम कब से देख रहे हैं हमारे वंदे स्पोर्ट जब युवा अटैक की बल्लेबाजी आ रही है तब कुछ ना कुछ इनाम रख रहे हैं। क्या आप डेंजरस सी के लिए कुछ इनाम रखना चाहते हैं? रखेंगे क्या अगर कोई भी फील्डर कंफर्म तीन चौका डाई मार के रोकता है तो मेरी तरफ से 300 रुपया विकेट पे रखिए आप विकेट पे रखिए ये छोटे छोटे प्लेयर है अपना जितना प्रयास हो सके उतना देंगे। चलो ठीक है आप उसके हिसाब से रखिए। अगर हैट्रिक अगर कमाल अगर तीन बॉल तीन विकेट लेते हैं अगर लगातार दो बॉल पे दो विकेट लेते तो मेरी तरफ से 200 रुपये इनाम। चार बॉल छह रन और एक गैप में खेलते हुए लालू चौका बैक टू बैक दो चौके मारे ये ओवर 10 रन। अगर राहुल छह बॉल छह चौका मारते तो डीजे प्रिंस की तरफ से 1000 रुपए का इनाम और वंदे स्पोर्ट की तरफ से। अगर कोई भी ये टीम का बॉलर अगर हैट्रिक लेता है तो वंदे स्पोर्ट की तरफ से 300 रुपए का इनाम पक्का पक्का मिलेगा और 500 डीजे प्रिंस की तरफ से। और यहाँ पे बादल अच्छी फील्डिंग की क्या इनके तरफ से अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलेगी क्या विकेट लेंगे ये डायरेक्ट बॉल एक स्विप मारने का प्रयास लेकिन एक रन जाते हुए। दोनों टीम के लिए वंदे स्पोर्ट की तरफ से ऑफर है तीन बॉल तीन चौका तीन बॉल तीन विकेट 300 रुपए का इनाम दोनों टीम के लिए। रुक जाए डेड बॉल अंजन भैया प्लीज समय मत वेस्ट कीजिए अंजन भैया प्लीज समय मत वेस्ट कीजिए आपके टीम है तो आप सपोर्ट कीजिए लेकिन टाइम वेस्ट मत कराइए बच्चे लोग खेल रहे अपने मन से खेलने दीजिए। बाकी की सभी टीम लॉस और बादल वर्सेस लालू डीवीएस सालवर कैप कर दिया है और ये चार रन लालू डीवीएस डीबीएस टीम के कप्तान और सालवर टीम के कप्तान
मुकेश इलेवन के कप्तान। मुकेश इलेवन के कप्तान प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कीजिए मुकेश इलेवन जहां भी हो। सालवर के प्लीज एक प्लेयर स्टेज पे आइए, लॉस उठने जा रहा है। सालवर टीम के एक प्लेयर प्लीज स्टेज पे आइए। और यहाँ पे बादल अब तक उतनी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली ये मैच में। और शिवमा दिया टैप के प्रयास और कमाल, क्या कमाल किए हैं बॉलिंग में। दो ओवर की समाप्ति में 25 रन काफी ज्यादा हो गया है। और हमारे बीच मंटू भाई जुट चुके हैं इनकी टीम डेंजरस सी। समीर पिछले मैच में अमन सेठ की तरफ से इनको 101 रुपये मिला था। और ये फुल टॉस बॉल और ये काफी अच्छी फील्डिंग और ये क्या एक रन होगा। ओहो एक रन लेते हुए राहुल के बल्ले से इतना बेहतरीन शॉट देखने को। लालू बैक टू बैक दोनों मैच में रन मारते हुए अपने टीम को लेकर चल रहे अपने दम पे। डायरेक्ट बॉल गैप में खेल दिया और एक चौका। हमने बोला था अगर मंटू भाई डेंजरस सी को सपोर्ट करेंगे तो यही होगा। और यहाँ पे डीवीएस को बाय मिलता हुआ सालवर का मैच विनिंग जिस ये टीम में जो विन होगा उससे मैच होगा सालवर का। रुको ना भाई 34 रन होते हुए क्या समीर विकेट लेंगे। रन बहुत ज्यादा हो गया है। ओहो वाइट बॉल और यहाँ पे टैप कर दिया है। ओह काफी बेहतरीन फील्डिंग। कौन फील्डिंग किया अच्छा। और यहाँ पे कृष्णा काफी बेहतरीन फील्डिंग जितना हो सके इतना 100% दे रहे अपना। छोटे छोटे बच्चे काफी अच्छा खेल रहे अब तक। और यहाँ पे डॉट बॉल अगर मुझे लग रहा है ये मैच में अगर लालू का विकेट पहले जाता तो टीम इतना स्कोर नहीं बना पाती। ओ राहुल काफी देर से आया चौका लेकिन आया और 41 विन। कहीं ना कहीं राहुल अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जब तक इनका विकेट नहीं जाएगा तब तक मैच हारने का उम्मीद ज्यादा रहेगा। फील्डर सालवर के जितने भी प्लेयर है मैच का आनंद ले रहे। कहीं ना कहीं समझ लियो हमारा मैच किससे है खेलना और अगला मैच उनको काफी टफ पड़ेगा मेरे को जहां तक लगता है। लक्ष्य कितने का है लक्ष्य हमारे टारगेट कितने का है बताओ तो फटाफट। यहां पे युवा अटैक प्लीज फील्डिंग लगाइए फटाफट। युवा अटैक समय ना लगाए बहुत समय हो गया है अब तक पहला पैनल मैच नहीं खत्म हुआ 2:30 बजने को आ गया। ऐसे मैच रहा तो फिर सुबह हो जाएगा। विपिन मेहता और हमारे ऋषिकेश हमारे मित्र मैच का आनंद लेते हुए क्या आज इनके बैट से चौका देखने को मिलेगा हमारा। और यहाँ पे जुन्नू का दौड़ लेंगे और समीर पहली बॉल काफी करारा प्रहार लेकिन अच्छी फील्डिंग आदर द्वारा काफी बढ़िया शॉट मारे थे इन्होंने। पहली बॉल थोड़ा यहाँ मारे था तो शायद चौका जा सकता था। अच्छा शॉट मारे हाथ में बॉल आती तो विकेट का प्रमाण हो जाता। और यहाँ पे झुन्नू और यहाँ पे फोटो पिछले मैच में 2-3 चौका मारो क्या शॉट यहाँ पे खेलते हो फोटो
और यहाँ पे अप्पू छोटा पैक बड़ा धमाका शानदार शॉट खेल रहे हैं फोटो अपने टीम के लिए। और यहाँ पे अप्पू हमारे क्लासमेट है, हमको कॉलेज में बहुत मैच हराते हैं। शॉट खेल दिया है, ओह आउट। अंपायर फटाफट आउट दीजिए, मुंह मत देखिए एक दूसरे का, तुरंत उंगली उठाइए, आउट है तो आउट, बात खत्म। और यहाँ पे कमल स्कॉर्पियन टीम के पास क्या पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल विकेट लिए थे, काफी कुछ थे, उसके बाद चार गेंदों में उतना अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, क्या बैट से होगा और अच्छी शॉट, क्या ये रन आउट हो सकता है? नहीं 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 नहीं, भट्टी अगर अच्छी शॉट खेले है, भट्टी अगर थ्रो अच्छा था तो शायद ये विकेट था। नहीं मुझे लगता है कमल पहुंच गए, काफी तेज भागते हुए हुसैन बॉल से भी तेज भागे, फुर्ती देखे इनकी, कीपर के हाथ में बॉल है तो भी आधा पिच क्रॉस कर ले रहे। और यहाँ पे लास्ट बॉल जिल्लू की, तीन रन का ओवर दिया अब तक इन्होंने, और यहाँ पे एक ओवर की समाप्ति चार रन। और यहाँ पे मुझे लगता है सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, फोटो और यहाँ पे 37 ची लालू बैट से भी क्या बॉल से भी नो बॉल, और काफी बेहतरीन शॉट फोटो के द्वारा, लेकिन एक रन मिलता हुआ, 35 रन ची 12 बॉल, क्या कुछ कमाल हो सकता है कमल द्वारा, नो बॉल और ये और यहाँ पे विकेट जाते हुए दो नो डाले, अगर दोनों पे दो चौके आती तो मैच में कमबैक हो जाता डेंजरसी का, लेकिन हम भूल गए बात करते करते कि इनको सपोर्ट करे थे हमारे मंटू भाई, मंटू भाई टीम को हराते हुए। अब मंटू भाई सपोर्ट करे तो आप इससे पहले देख ही लिए होंगे मंटू भाई की आर्मी, दो सब मंटू भाई बोलो क्यों आप हर जगह जाके हरा रहे। और यहाँ पे मिस फील चार रन फोटो, शॉट खेल दिया फोटो, यहाँ पे बहुत प्रेशर था उनके ऊपर, वॉलेंटियर्स बॉल प्लीज, वॉलेंटियर्स कहाँ गए हमारे सब, मैच खेल के घर पे भाग गए क्या? बीरू वहां के वॉलेंटियर्स को यहाँ पे बुलाइए, बड़ू प्रिंस फटाफट आइए आप लोग, मैं इधर आ रहे। और जिस तरह से आज अंडा पाओ सुजीत ऑनर बहुत बढ़िया विक्रेता, इन्होंने 2001 का बहुत बढ़िया शॉट हल्के हाथों से खेला और एक रन से इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड। सालवर्ड सालवर्ड टीम के कप्तान टॉस बॉक्स पे आइए सालवर्ड, और यहाँ पे बंसी स्मृति चषक स्कॉर्पियन टूर्नामेंट ग्रामीण वन देश स्पोर्ट लाइव, हमारे भी साजिद भी आज जुटते हुए, और यहाँ पे शायद भी आ चुके मैच का आनंद लेने स्टेज पे। ओहो मानना पड़ेगा बैट्समैन को और ये छक्का मारने के प्रयास, युवा टैग के प्लेयर टॉस बॉक्स आए, युवा टैग के प्लेयर राहुल, हमारे प्रभात द्वारा टॉस उड़ाया जाएगा, युवा टैग वर्सेस सालवर्ड। डेंजरस सी के प्लेयर आए, कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें, उससे पहले मंटू भाई से मिल के आए, क्या है क्या नहीं आपको मंटू भाई गेम प्लान बताएंगे। सालो टॉस जीत गई है और गेंदबाजी का फैसला क्या पे भाऊ,
सालवर टीम फटाफट अपनी फील्डिंग लगाइए। सालवर टीम डेंजरस सी कम्युनिटी बॉक्स में संपर्क करें। डेंजरस सी के प्लेयर कहाँ है मेरे पास आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे मेरे पास आइए।